आशय पात्र बना लो कि इसमें मैं 1,00,000 लोगों को एडजस्ट कर सकूं। क्योंकि अगर हम मैं आपको यूं ही ना बताऊं तो हमारे आश्रमवासियों में मेन जो काम करने वाले तीनों लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक श्रीरन, दूसरा किशन, तीसरा दिलीप और चौथा शिवा। ये लोग आप लोगों से इतने परेशान हैं कि इनको एडजस्ट कहाँ करेंगे, पहला प्रश्न हो जाता है। और पानी के लिए सुबह फोन, हमारे श्रीरन पहले से भोजन की व्यवस्था का क्या हाल है, वो कहाँ रहते हैं हम जाए, उनको फूट करके लिखना पड़ता है। अब किशन का हाल पूछो, गुरुकुल में आए तो दिखता ही नहीं, क्योंकि बुरी कुछ बोलेंगे। शिवा का ये हाल रहता, आप कुछ भी बोलो हाजिर जवाब जरूर मिलेगा आपको कि अभी आया 5 मिनट में, वो 5 मिनट नहीं आते। और इन 4 लोगों से मैं जो जूझ रहा हूँ, मैं महान गुरु हूँ, जो इनके साथ मेरे एक पुकार पर आप सभी लोग जिस तरह की सेवा की और इस दुर्घटना को इतना शोभायमान बनाया, मैं आपको आज एक सुबह से मैं जिस प्रसन्नता को लेकर बैठा हूं, क्योंकि नवमुंडी आश्रम की स्थापना जब विश्वधारण जी कर रहे थे तो सिद्धाश्रम ने उनको आज्ञा नहीं दी, परमिशन नहीं दिया। इस बार किसी चेतना केंद्र में जब पंचमुखी आश्रम की स्थापना की बात मैं कर रहा था, मैंने जैसा बताया कि बहुत जोरों से मेरा प्रतिकार चल रहा मुझ पर, लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता गृहस्थों के लिए, तो हरगिज पंचमुखी आश्रम की स्थापना नहीं करनी चाहिए। एक भरोसा इतना ही था कि मैं कार्य कोई मेरे स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूँ, निस्वार्थ रूप से कर रहा हूँ। और इतने लोग इतने दिन से गुरु चालक और गुरु मंत्र में जुड़े हुए हैं, उनको कुछ न कुछ फल मिलना चाहिए। ऐसे कितने दिन गुजरेगा, 20 साल 25 साल हो गए, आज कोई थाली ठोकर ये नहीं काम कर सकता कि मैंने ये साधना की है और मैं सिद्ध हूं। इसके लिए मुझे पंचमुखी आश्रम की स्थापना करनी पड़ी। और मैं आप देख रहे हैं कि जिस इन 3 दिनों हो, 4 दिनों से हो, एक ही जब भी जाता हूं तो जूझता हूं। जैसे ऐसे वो लोग कहते हैं कि तुम गृहस्थों के लिए नहीं करना है और मैं करते हुए गया, लेकिन इन सभी का संतोषजनक रिजल्ट जब मैं आज सुबह देखा तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी माता जी के साथ आए और माता जी के साथ आकर आज मैं गुरु जी के सामने आपको झूठ नहीं बोलता, मेरे को जोरों से आज्ञा ले लिया और कहा कि जोशी को निकाले जो क्या बहुत अच्छा। आपको ना करते हैं तो मैं कोई कार्य नहीं करता, लेकिन फिर भी आप नाराज ना हो, अगर आप मुझे कोई पर प्रसन्न है करना, मेरा काम है, मैंने कार्य कर लिया है। लेकिन सुबह जब गुरु जी ने मुझे अपने गले से लगाया तो मैंने वही हनुमान जी की बात, जो हनुमान जी रामचंद्र जी की बात कही थी, प्रभु मेरा स्थान आपके आलिंगन में हृदय के साथ नहीं आपके चरणों में है, मुझे आलिंगन मत दीजिए, आप मुझे दूर मत दीजिए। मैंने प्रभु जी सद्गुरुदेव से यही मांगा कि आप प्रेम से प्रेम से आपने मेरे गले लगाया होगा, मैं शिष्य हूं, मैं बात जानता हूं, मेरी क्या आपके सामने किस प्रकार में जीना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, ये भी जानता हूं। मैं अपने आप को आपकी चरणों की धूल समझता हूं, आपकी चरणों में मेरा माथा झुका हुआ है, आज भी झुका रहेगा। लेकिन जिस प्रेम से आपने आज मुझे आलिंगन किया, शायद मेरे जीवन का एक स्वर्णमय दिन है और गुरु जी ने मेरे किए हुए कार्य को आज्ञा देने की कोशिश ने जो कार्य किया है वो सच्चा है और वो कार्य रूप करके आगे बढ़े। मुझे सांत्वना मिली, मुझे प्रसन्नता हुई और मैं इस प्रसन्नता में आप सभी को भागीदार बनाते हुए कहता हूँ कि अगला साल जब पंचमुखी आसन आएगा, आज आप केवल पंचमुखी आसन पर चलते गए, आगे बार पंचमुखी आसन पर बैठेंगे जरूर और हम बताएंगे कि हम साधना में सीखे। पंचमुखी आसन पंच तत्वों से भरा हुआ है, मैंने जैसा कल भी कहा, आज कोई दशमा विद्या ऐसी नहीं है जो मुंडों पर खड़ी नहीं है, जिन्हें मुंड माला नहीं पहनी है, चाहे जिन्हें मतलब लो ललिता त्रिपुर की शोर श्री त्रिपुर
सभी ने अपने लिए पंड प्रकाशन बनाए या किसी भी प्रकार का प्रकाशन बनाए जो मुंड के कारण ही है, जो मैं कहा जैसा कि हर संत ने भी अपनी समाधि नीचे की और ऊपर खड़े रहे तभी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा कार्य करता हूँ। आज हमने जो मुंड स्थापित किए हैं वो ऐसे वैसे लोगों के नहीं, ऐरे गहरे के लोगों के नहीं। आपके दृष्टि में हमारा मदन कहता है कि मैं वहां से बंदर लाता हूँ, यहाँ से सांप लाता हूँ, वहां से गेंसुआ लाता हूँ, ये लाता हूँ। मैंने कहा तू कुछ लाने की जरूरत नहीं, जो लाना है जो आना है कैसे भी आ जाएंगे। और कहलाते हैं जिस मुंडों को मैंने कलश में स्थापन करते हुए आपको प्रतिमा आसन प्रदान किया है, जिसके ऊपर आपके आप सभी लोग आज वहां से गुजरे। आपको भी विचार करो क्या इन मुंडों पर से जाने की आपकी शक्ति है। रुद्राक्ष पर आप कहीं पाँव रखेंगे नहीं रख सकते। रुद्राक्ष रहा तो आप आंखों को लगाते हैं, लेकिन ये मैं हूँ जो आपको आज से रुद्राक्ष पर चलाया हूँ। पंचमंडी आसन पर मैंने रुद्राक्ष चलाया।
मैं शिवा हूँ या आश्रमवासी हूँ, मैंने इस दशा का मैं जब भी आश्रम में आता हूँ तो शायद बवाल बच जाता है, गुरु पूर्णिमा आ गई या गुरु जन्मदिवस आ गया तो ऐसा लगता है गुरु जी आ गए तो पूरा पूरा नचा देंगे आश्रम में, एक मिनट किसी को सोने नहीं देते। कभी अष्टा मोड़ के राजू को फोड़ जाता है, तो कभी वासर को फोड़ जाता है, तो अभी किसी को फोड़ जाता है। ये कार्य 5 मिनट में हो जाए कल सुबह हो जाना चाहिए। वो लोग शायद वासर पकड़ गए होंगे लेकिन मेरे साथ यहाँ गुरु जरूर बोलते हैं। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि जब कभी भी मेरी पुकार हुई उन सभी लोगों ने मेरी पुकार को सुनकर यहाँ आए, चाहे उदय महाराज हो, शिशु जी हो, और कोई भी हो, मैंने जिसको भी आवाज दी वो आए एक कार्य करे। और उन सभी के कार्य का ही ये रिजल्ट है आज आप हजारों में यहाँ मेरे सामने इस फंक्शन हॉल पर बैठे हुए हैं। आप ये सब उनकी वजह से उनकी सेवा करें। मैं तो केवल पुकारने वाला, तब भी पुकारता हूँ, आज भी अभी भी पुकारता हूँ, मेरा कार्य कुछ है नहीं। सारे कार्य तो वही करने वाले हैं और उनको कार्य सुनकर उनको कैसा नचाया जाता है। आप यहाँ ओरिजिनल नहीं नाचते, आप डुप्लीकेट नाचते हैं। ओरिजिनल नाचते हैं तो कभी फेलन को, किशन को और दिलीप को पूछ के देखो कि कैसा नचाता हूँ। तो उनको नाच का सच्चा नाच का ध्यान तो उनको अभी इस बार आश्रम में मैंने वैसे कहें तो राम और शिवानी टीम को भी आदित्य को भी बहुत नचाया। मनोज को तो पहले से नाचने की आदत है मेरे सामने, वो तो नाचते ही रहता है चाहे प्रेम हो। और आश्रम की सभी लड़कियां वनीसा अब नहा की बात तो मत पूछो, लंगड़ते लंगड़ते नाचता है वो, तो नया नाच है वो कोई देख नहीं सकते। इसके बाद हमारे आश्रम में जितने भी लोग हैं मैंने जब भी पुकारा आए कार्य किया और उनकी कार्य की वजह से आज जो भरा भरा आप आश्रम देख रहे हैं तो उन्हीं की देन है। लेकिन दुख की बात यह है कि गत पूर्णिमा से इस पूर्णिमा इस गुरु पूर्णिमा तक मैंने 3 अच्छे दत्तक हुए, उसमें प्रभा मैडम, वेंकटाचार्य और चंद्र प्रकाश जी, ये 3 इस आश्रम के लिए रत्न ही थे जो कार्य करते रहे। आज उनकी याद में मैं यही कहता हूँ कि लोग हम कोई तो रहने वाले आज हैं कल चले जाएंगे, वे पहले गए तो ये उनका भाग्य है। आज हम अच्छा हो या बुरा हो देखने के लिए हम खड़े हैं तो ये हमारा भाग्य है या दुर्भाग्य है आप कहेंगे। मैं यही बात कहता हूँ कि जो गए उनका पुनर्जन्म होगा और वो इनकी चेतना के लिए जरूर आएंगे क्योंकि मैंने उनको आह्वान किया। वो कहीं से छोड़कर नहीं जाते और जरूर नहीं आएंगे। आज आप सभी को भी यही बात कहता हूँ, निर्णय आपका है, 2 निर्णय आपके पास रखे हैं। एक कल सुबह औदुम्बर की आहुति और बगलों की गुटिका की आहुति देकर आप दीक्षा लेकर जाएंगे या अभी लेकर जाएंगे तो शिवा को भोका रखना पड़ेगा। ये बात आप याद रखो कि शिवा 11 बज रहे हैं, वो 1 बजे तक भोका रखने के लिए तैयार है। तो आप मैं अभी भी आपको दीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको नहीं देना है तो आप एक बार जोर से तालियां हो जाए